हेलो एवरीवन दिस इज हर्षल चौधरी आज का टॉपिक है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी जो हम सब क्लियर करना चाहते हैं जिसका सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम बिफोर वी बिगिन यू कैन सब्सक्राइब टू अन अकेडमी प्लस यूजिंग माय कोड टॉप एम इससे आप सारे कोर्सेज प्लस के अवेल कर सकते हैं एंड आपको टेन डिस्काउंट मिलेगा इफ़ यू यूज़ दिस कोड दिस इज़ माई यूट्यूब रिचुअल एवरीडेट नाइन पी एम मेरा एक किसी भी टॉपिक पे चैप्टर पे स्ट्रैटेजी का सेशन रहेगा

फिर आप उसके बाद एक अगला स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि यूपीएससी इज दी वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन इंडिया और ये सारे एग्जाम से कंडक्ट कराता है तो व्हाट ऑल एग्जाम्स एग्जाम्स कौन कौन से कंडक्ट करवाते हैं यूपीएससी के द्वारा और फिर उसके बाद आपको एक तीसरा फंक्शन लिख सकते हैं कि डिसिप्लिनरी एक्शन वगैरह के लिए भी यूपीएससी रेस्पॉन्सिबल है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इस तरीके के स्टेटमेंट्स तो ये थ्री मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको इसको मेन्स के लिए प्रिपेयर करना है प्रिलिम्स uh, में भी अबाउट यूपीएससी आपको तीन स्टेटमेंट चार स्टेटमेंट्स दे सकते हैं कि या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इस आर्टिकल के तहत इस इस आर्टिकल्स के प्रोविजन के तहत यूपीएससी डील होता है ये सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराता है और कोई चौथा फॉल्स स्टेटमेंट देख के आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू पूछा जा सकता है ओके okay? नेक्स्ट आपको देखना है कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं 315 से 323 जो यूपीएससी से डील करते हैं फंक्शन किस आर्टिकल में दिए हुए हैं 315 किस बारे में है ओके okay? नेक्स्ट हम देखेंगे इसके कॉम्पोजिशन के बारे में कि किस तरीके से कंपोज होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैसे बनता है तो इसमें आपको देखना है कि चेयरमैन और चेयरमैन के साथ कितने मेंबर्स आपको फिलहाल में देखना है कि हु इज द चेयरमैन आपको पता होना चाहिए करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाएगा ये उसके बाद मेंबर्स कितने हैं नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन में इन मेंबर्स के बारे में क्या प्रोविजन दिया है कोई स्ट्रेंथ दी हुई है क्या क्या संविधान

तो एक्चुअली संविधान में इसके बारे में कोई क्वालिफिकेशन नहीं दी हुई है बस ये दिया हुआ है कि उनके एक टर्म ऑफ सर्विस जो रहता है गवर्नमेंट सर्विसेज में रहने चाहिए वो स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होना चाहिए और उनमें एक टेन्योर दिया हुआ है कि इतने साल तक वो सेवा इसमें दिए हुए रहे या नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में तो ये आपको बेसिक क्वालिफिकेशन देख बेसिक कंडीशन एक है वो कंडीशन देख लेनी है उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट देखना है कि कौन अपॉइंट करता है जैसे आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में मोस्टली प्रेसिडेंट ही अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चेयरमैन एज वेल एज दी मेम्बर्स ऑफ यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के भी आप देख लेंगे पैरल आप अगर स्टेट पी को लेके चलेंगे तो आप इजिली पढ़ पाएंगे उसको ओके चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है क्या कंडीशन होती हैं चेयरमैन की उसके बाद आप टेन्योर देख लेंगे कि कितने साल का इनका टेन्योर रहता है दोनों का आप देख लें यूपीएससी का भी टेन्योर देख लें और साथ ही साथ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन का और मेंबर्स का जो टेन्योर रहता है वो भी आप देख लें कि किस तरीके से डिफरेंट है रिटायरमेंट की एज यूपीएससी की भी रिटायरमेंट की एज मेंबर्स की चेयरमैन की और स्टेट पीएससी की भी सिमिलरली उसके बाद आप रिमूवल प्रोसेस देखेंगे यूपीएससी का जैसे कि हमने पहले भी है कि सुप्रीम कोर्ट के जज का जो रिमूवल प्रोसेस रहता है उसी तरीके से यूपीएससी के मेंबर्स का भी रिमूवल so बरकरार रहे ये लोग इन्फ्लुएंस ना हो इजिली और इंडिपेंडेंस के साथ स्वतंत्रता के साथ अपना कार्य का निर्वाहन कर सके तो इसीलिए इस प्रोसेस को इस तरीके से बनाया गया तो क्वेश्चन अगर मेंस में भी आता है कि व्हाट इज यूपीएससी तो आप पूरी प्रोसेस को फ्लो चार्ट में मेंशन करेंगे कि ये प्रोसेस होगा यहां से इनिशिएट होगा इस हाउस से इस हाउस में जाएगा स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा प्रेसिडेंट के पास रिकमेंडेशन जाएगा और फिर प्रेसिडेंट इज बाउंड टू रिमूव द मेंबर वंस द रिकमेंडेशन इज बिफोर द प्रेसिडेंट ओके तो ये रिमूवल प्रोसेस आप लिखेंगे सिमिलरली स्टेट पी एस सी अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो भले इनके गवर्नर होते हैं बट जब रिमूवल होता है स्टेट पी एस सी के मेंबर्स का जब रिमूवल होता है तो रिमूवल अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल जैसा प्रोसेस ही फॉलो किया जाता है मतलब भले अपॉइंटमेंट गवर्नर कर रहे हैं ये डिफरेंस आपको समझना होगा भले अपॉइंटमेंट स्टेट पीएससी के मेंबर्स का गवर्नर कर रहे हैं लेकिन रिमूवल सेम प्रोसेस से होगा जिस प्रोसेस से यूपीएससी के मेंबर्स को रिमूव किया जाता है तो ये रिमूवल प्रोसेस आपको देख लेना है उसके बाद कंडीशंस ऑफ रिमूवल क्या होती हैं प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं तीन चार कंडीशंस रहती हैं ऑलमोस्ट चार कंडीशन कि वो किसी एम्प्लॉयमेंट में आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट में अगर वो इन्वॉल्व होते हैं तो ठीक है ये एक कंडीशन होती है या तो फिर प्रूवड मिसबिहेवियर जो हमेशा एक कंडीशन दिखाई जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकेपैसिटी एक कंडीशन है तो इस कंडीशन में भी प्रेसिडेंट रिमूव कर देते हैं यूपीएससी के मेंबर्स को या चेयरमैन को एक कंडीशन और होती है जो कि है इंडल्ट इंसॉल्वेंट in जब दिवालिया हो जाए वो तो इस कंडीशन में भी रिमूव किया जा सकता है और फिर एक इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड होता है तो इन कंडीशंस में रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा मेंबर्स को, okay? में स्वतंत्रता में, कि बरकरार रखते हुए वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं तो आपको पता है कि जैसे इनकी सैलरी है वो चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड होती है ओके चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया उसके बाद इनको दूसरी स्वतंत्र सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इनका एक है okay? तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर अपने आप में इंडिपेंडेंस देने वाली चीज है उसके साथ साथ रिमूवल जो प्रोसेस है रिमूवल प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल जैसा बनाया हुआ है तो ये आदि इत्यादि बहुत सारे पॉइंट्स हैं आप अगर लक्ष्मीकांत में देखेंगे तो ऑलमोस्ट छह से सात पॉइंट्स दिए हुए हैं जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर और इंडिपेंडेंस ऑफ यूपीएससी के मेंबर्स को बताते हैं तो सिक्स मार्क्स में अगर एक क्वेश्चन आता है तो आप आराम से पांच छह पॉइंट पांच पॉइंट आराम से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर से नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ यूपीएससी तो फंक्शंस ऑफ यूपीएससी बहुत डिटेल में दिया हुआ है ऑलमोस्ट 12 से 13 पॉइंट्स दिए हुए हैं हम लक्ष्मीकांत में तो आप उसमें दिया हुआ है कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट कर रहा है मेम्बर्स का एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहा है मेरिट सिस्टम को बरकरार रखते हुए और डिसिप्लिनरी एक्शन लेने में भी यूपीएससी के पूरे फंक्शंस होते हैं जब किसी मेंबर के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ता है कोई इंक्वायरी होती है सेंश्योर करना होता है सस्पेंशन करना होता है रिडक्शन इन रैंक करना होता है रिमूवल ऑफ सर्विसेज करना होता है तो हमेशा इनकी एडवाइस ली जाती है यूपीएससी की इस कमीशन की सिमिलरली स्टेट सर्विसेज के जो मेंबर्स हैं उनके लिए डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए स्टेट सर्विसेज जैसे हमारा एम है तो एम पी पी की एडवाइस uh, ली जाती है रिमूव करने के लिए या कोई और डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए तो ये आप देख लेंगे और सिक्स मार्क्स के लिए भी एक छोटा आंसर आप लिख के प्रैक्टिस कर लें सो so डैट अगर सिक्स मार्क्स में इंडिपेंडेंस और फंक्शंस आते हैं तो आप इसको आंसर कर सकें देन बनता है ऑफ यूपीएससी ओके कुछ कुछ लिमिटेशन दी हुई हैं जो हम प्लस क्लास में देखेंगे कि इनके पास ओके okay, ये लोग रिकमेंडेशन तो कर सकते हैं लेकिन वो एडवाइजरी ही होते हैं वो मैंडेटरी नहीं होते मतलब वो बाइंडिंग नहीं है कि वो डिसिप्लिनरी एक्शन लिए ही जाए तो इस तरीके से लिमिटेशन दिए हुए हैं जो मेन्स में पूछे जा सकते हैं प्रिलिम्स में इनका कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है इस क्वेश्चन का तो यू हैव टू लुक एट दी लिमिटेशन और उसके बाद रोल आप एक बार पढ़ लेंगे क्रिटिसिज्म क्योंकि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जब से आया है सी के आने के बाद यूपीएससी का रोल काफी डिक्लाइन हो गया यूपीएससी का रोल डिक्लाइन हो गया तो उसके बारे में एक बात होती है क्रिटिसाइज किया जाता है इस फॉर्म में और क्योंकि एडवाइजरी बस रह जाता है इनका फंक्शन मैंडेट कंपल्शन नहीं है कोई बाइंडिंग इनका वो रोल नहीं होता तो इस वजह से इसको क्रिटिसाइज किया जाता है बट रोल अल्टीमेटली एक वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम बोला जाता है यूपीएससी को तो अगर रोल पे क्वेश्चन आता है या थ्री मार्क्स में भी रोल ऑफ एम रोल ऑफ यूपीएससी या रोल ऑफ स्टेट पी पूछा जाता है तो आप एटलीस्ट थ्री स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखें कि मेरिट सिस्टम का वॉच डॉग है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कंडक्ट कर रहा है एग्जाम को और एडमिनिस्ट्रेटर्स को सर्विसेज में लेके आ रहा है जो कि बाद में न्यूट्रली काम करके हमारे देश को डेवलपमेंट की ओर ले जा रहे हैं इस तरीके से आप तीन क्वेश्चन तीन स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं इस पे सो वेरी इजी चैप्टर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड पढ़ेंगे आप और एक बार पढ़ के आप रिवाइज ही करेंगे तो दिस वुड बी मोर देन सफिशियंट दिस वॉज स्ट्रेटजी फॉर स्टडीिंग यूपीएससी अगला जो डिटेल पूरा होगा फंक्शंस का रोल का वो अन अकेडमी प्लस क्लास में हम कवर करेंगे जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको बहुत जल्दी शेयर कर दिया जाएंगे थैंक यू सो मच